दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत की राह देख रहे थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को सुनवाई भी हो चुकी है। कोर्ट ने 10 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं। लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार आता है और इसलिए प्रचार के लिए उन्हें जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का यह मायने निकाले गए कि केजरीवाल को जमानत मिल सकती है और वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर जमानत दे दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम यह नहीं चाहते। केजरीवाल की जमानत पर 10 मई को फैसला आए उससे ठीक पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी ने केजरीवाल को जमानत मिलने से पहले अदालत में एक हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है, कानून सबके लिए बराबर है और चुनाव प्रचार कोई मौलिक संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है, किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई। इस तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। कोई भी राजनेता किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते और अपराध करने पर नेताओं को भी अन्य नागरिकों की तरह ही गिरफ्तार किया जा सकता है। केवल चुनाव प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल की जमानत को रोकने के लिए इस हलफनामे के अलावा ईडी कथित शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल करने जा रही है। यह पहली बार होगा जब केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर दाखिल होगा। बताया जा रहा है कि इसमें पहली बार केजरीवाल को आरोपी बनाया जाएगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ही गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अब तक ईडी ने केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया था। लेकिन अब ईडी उन्हें मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने जा रही है। ईडी का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। ईडी पहले ही उन्हें मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बता चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी का मानना है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी को एक भी सबूत नहीं मिला है और उन्हें साजिश के तहत जेल में रखा गया है। आज आम आदमी पार्टी के सारे नेता, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सब जेल में बंद है। ऐसा कभी हिंदुस्तान में पहले नहीं देखा गया कि चुनाव हो रहा है और चुनाव से पहले एक छोटी सी पार्टी के सारे बड़े नेता एक एक करके इन्होंने जेल में डाल दिए। बिना सबूत, बिना गवाह, कुछ एक रुपए की चोरी नहीं पकड़ी गई। इनकी पार्टी का कोई पार्षद भी होगा, उसके अगर आप छापा मारोगे तो पता नहीं कितना पैसा मिलेगा, आप सब लोग जानते हैं। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री के यहां छापा मार लिया, उप मुख्यमंत्री के यहां छापा मार लिया, मंत्रियों के यहां छापा पड़ गए, विधायकों के यहां छापे पड़ गए। इनके जितने जानकार हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने लोग मिलने जुलने वाले हैं, करीब 500 जगह पिछले 2 साल में छापे पड़े, करीब 500 जगह। सुबह 6 बजे आती है ईडी, घंटी बजाती है, सारे फोन दे दो, सारे घर वालों के फोन ले लिए जाते हैं। सुबह ईडी घुसती है 6 बजे, रात को 9 बजे तक एक एक चीज छानते हैं, एक एक कागज, एक एक कपड़ा, एक एक अलमारी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, उनके जानकार, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, सबके यहां छापे पड़े, 500 से ज्यादा जगह छापे पड़े। अब तक इन्हें चोरी का एक रुपया नहीं मिला, एक रुपया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। केजरीवाल के जेल में होने की वजह से पूरी आम आदमी पार्टी के मनोबल पर गहरा असर पड़ा है। केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली में 25 मई और पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव होने हैं। आपको उम्मीद थी कि चुनाव के नाम पर केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी,
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईडी का हलफनामा उनकी जमानत की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।